आज का हमारा प्लान है टू गो इन टू द वाइल्डरनेस ऑफ द डेजर्ट्स। बिल्कुल रिमोट एरियाज में जाने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि वहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा है तो टू व्हीलर्स तो ले जाना मुश्किल है, तो आज हम 4x4 व्हीकल में जा रहे हैं। तो आप चलिए साथ में, शुरुआत करते हैं एक मंदिर से जो उतने ही रिमोट एरिया में है। तो ये मंदिर भी अपने आप में एक अजूबा है, और बेसिकली आस्था ये दिखती रहती है। एंड हम अभी इसको देख के अभी आगे बढ़ते हैं, आप और भी वाइल्डनेस में लेके चलते हैं। सर, ये जो नेचर है ना, प्रिस्टीन नेचर है ये, यहाँ मतलब आप सोच नहीं सकते हो इस प्रिस्टीन नेचर के बारे में कि इंडिया में ऐसी जगह मिलेगी देखने को। यहाँ टूरिस्ट कोई आता नहीं है, बिकॉज मार्सलंग एरिया में किसी को पता नहीं है, लोग जाते हैं वो ही बीटन ट्रैक के ऊपर। बस यार ये मंदिर के बाद रोड खत्म हो गई है। वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट ऑफ इंडिया, ये प्रिस्टीन सा मंदिर है यहाँ पे, अनटच्ड बाय द टूरिस्ट। यहाँ कोई नहीं आता है, मैजिकल है। हम इस रोड से आए थे और यहाँ ये खत्म, बस यही है, इसके इससे ज्यादा रिमोट नहीं जा सकते। ये है वो सैंड ड्यून्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, एंड इट इज एब्सोल्यूट वाइल्डनेस। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, इस तरह की झोपड़ियां जिसमें लोग रहते हैं, अपने उनके कैटल वगैरह हैं। सामने वो पॉन्ड जो है वो कर्टसी इंदिरा गांधी कैनाल है, और ये मंदिर आप देखो, इनफैक्ट इट इज सो प्रिस्टीन। आप यहाँ आके, एक्चुअली वीडियो में तो आपको क्या पता चलना है, बट यहाँ आके आप फिर घंटों आराम से बैठ के कुछ नहीं करना इज द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। हैव अ लुक, बोलने का फायदा नहीं है, जस्ट हैव अ लुक ऑल अराउंड। एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ आप शायद आ भी ना पाओ। दैट इज ऑल्सो फैक्ट कि यहाँ पे आना, यहाँ टूरिस्ट लोगों की जगह नहीं है, यहाँ पे आना मुश्किल है। वैसे लाइट ऊपर से है तो पूरा दिखेगा नहीं, बट जो आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों के घर हैं वहाँ पे, यहाँ एक्चुअली लोग रहते हैं। एक हिंदुस्तान ये भी है, ये ऐसे ऐसे घर हैं वाइल्डनेस में, यहाँ कुछ नहीं है आसपास, आदमी ना आदमी की जात, और इनके पास पशु हैं, और जिंदगी इन्होंने इतनी सिंपल बना रखी है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार खुश कौन है, हम वो लोग जिनके पास वो अपार्टमेंट और ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है, या ये लोग। वो सामने आप देख सकते हैं वो लेडी को, अभी वो उस अपने बकरियों को देख रही है। इनफैक्ट उसकी पूरी जिंदगी सामने वो एक चबूतरा सा बना हुआ है, और पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कितनी सारी भेड़ बकरियां हैं। एंड दिस इज राजस्थान, एब्सोल्युटली वाइल्ड। आदमी नहीं है बट मतलब इमोशनल होने वाली जगह है, या पीस बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। ग्रेट, बहुत ही बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। अभी हम एक सैंड ड्यून के ऊपर हैं, और यहाँ से हम देखने वाले हैं सनसेट। राजस्थान वो जो आपने देखा है, पिक्चरों में देखा है, टूरिस्ट स्पॉट्स पे देखा है, और एक राजस्थान वो है जो मैं आपको अभी दिखाता हूं। दिस इज द वाइल्डरनेस ऑफ राजस्थान। और ये जो आप ये ग्रीनरी देख रहे हैं, ये कुछ लोगों का काम है जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, बट लुक एट, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक वाइल्डरनेस, आदमी नहीं है, इट्स ओनली नेचर। एंड यहां पे पहुंच पाना ही अपने आप में एक खुशकिस्मती है, हर एक बंदा यहाँ पहुंच भी नहीं सकता है। एंड इट्स ऑल वेरी वेरी वाइल्ड। यहाँ पे ये 20-25 साल पहले मेरे को ये जगह याद है, ऐसी जगह याद है जहाँ सिर्फ रेत रेत होती थी, फिर ये
बंदों ने इन्होंने अपनी जिंदगी दे के इस जगह को ग्रीन किया, और जैसे ही ये जगह ग्रीन हुई यहाँ पशु आ गए, फिर पशुओं के गोबर वगैरह से उनका खाना बनने लगा और एक नेचर का एक साइकिल शुरू हो गया है। अब तो ये एक ग्रीन डेजर्ट टाइप लगता है, एंड इट्स इंडीड अ प्रिस्टीन प्रिस्टीन साइट। एंड आज का दिन यहाँ की वजह कहीं भी अगर मैं होता तो आज का दिन इससे अच्छा नहीं हो सकता था। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई गांव नहीं है, ये है, चलो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। नॉर्मल एक इम्प्रेशन है कि जो इंडियन आर्मी है वो बॉर्डर्स पे खड़ी है, दुश्मनों से लड़ रही है, बट इंडियन आर्मी का एक भी हिस्सा है जिसके बारे में लोगों को शायद पता भी नहीं है, कई लोगों को नहीं पता होगा, जो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर रही है। तो वो एक आउटफिट है, ये रवि है जिसके कारण मैं इस जगह पे आ पाया हूँ, बहुत पुराना दोस्त है मेरा। और यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी के टेरिटोरियल टास्क फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ रहते हैं। यहाँ बिजली नहीं है, ये किसी भी एरिया से बहुत ज्यादा दूर है और वो यही रहते हैं। और ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं चारों तरफ, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये जो आप पॉन्ड देख रहे हैं, ये यू कांट इवन इमेजिन कि ऐसी जगह पे जहां पे मीलों तक पानी की बूंद नहीं दिखाई देती वहां पे एक पॉन्ड है और उसमें इतना प्रिस्टीन वाटर है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि ये जो सारा कुछ आप देख रहे हैं ये तो बनाने वाले ने बनाया है जिसकी ये दुनिया है, बट ये वाला जो काम है ये जिन लोगों ने बनाया है उसके बारे में आपको अभी मैं थोड़ा बताता हूँ। अभी हम राजस्थान के उस हिस्से में हैं जहां अगर आपकी किस्मत नहीं है तो आप नहीं आ सकते। ये देखिए हम सैंड ड्यून के ऊपर हैं और ये डेजर्ट देखिए पूरा जहां तक आपको दिखे प्रिस्टीन डेजर्ट। तो अब जो लोग राजस्थान आए इतनी दूर आए और वही गिने चुने हिस्से जैसे जैसलमेर फोर्ट और एक दो जगहें और जाके चले गए, तो आपने क्या राजस्थान एक्सपीरियंस किया? हम बैठे हैं एक सैंड ड्यून के ऊपर, समोसे कचौरी खा रहे हैं और इस सैंड ड्यून के ऊपर से हम सनसेट देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, मैंने ब्रिगेडियर गौतम का फोन हाईजैक कर लिया है एंड सर बीइंग काइंड एनफ उन्होंने कहा भाई ठीक है तू रख ले। ये कंप्लीट विल्डरनेस है, बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि इट इज कर्टसी वन ऑफ द इकोलॉजिकल बटालियन ऑफ द इंडियन आर्मी, कोई इस चीज को विश्वास नहीं करेगा। अभी आप वो देख रहे हैं सामने वो गाड़ी आ रही है, इसमें द पीपल हू स्टे हियर, द मैन ऑफ द कंसर्न्ड इकोलॉजिकल बटालियन कंपनी, दोज हू स्टे हियर, दे आर कमिंग बैक फ्रॉम द प्लांटेशन एरिया। और ये जो आज आप ये सारा ये एरिया देख रहे हैं ये कर्टसी इस इकोलॉजिकल यूनिट की है जो 1997 से इलाके के अंदर है। और ये जो आप ये इस वक्त हम कॉरेस्पॉन्डिंग लैंड से तकरीबन 200 फुट एक सैंड ड्यून के ऊपर बैठे हुए हैं, अब आप ये देखेंगे ये सैंड ड्यून, ये प्रॉपर सैंड ड्यून था और इसमें प्लांटेशन लगने के बाद अभी आपको सैंड ड्यून का कुछ ही हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम मैं और इस तरफ और आता हूँ राइट की तरफ तो ये आप जो हटमेंट्स देख रहे हैं इसमें द मैन दे स्टे, द कंपनी नफरी स्टेज, एंड देर इज नो लाइट, नो कूलर्स, नो एसीज, एंड दे स्टे हियर इन हार्श विंटर्स एंड हार्श समर्स, बट स्टेइंग इन दीज थैस्ट हट्स इन सच कंडीशंस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एंड दीज पीपल दे स्टे हियर एंड दे डू अ कमेंडेबल जॉब। अभी आप ये जो पूरा देख रहे हैं यहाँ ये सारे मेन रहते हैं, और अभी जो आपको ये सामने पॉन्ड दिख रहा है, दिस पॉन्ड इज अ इरिगेशन पॉन्ड फॉर द प्लांटेशन एरिया, एंड इसमें जो पानी है वो तकरीबन 7 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी कैनाल से पंप किया जाता है। और यहाँ कोई झूठ नहीं चल सकता, यहाँ जो इंसान जमीन के ऊपर करेगा वही धरती दर्शाएगी, इसमें कोई आप झूठ नहीं बोल सकते हो कि मैंने ये किया मैंने वो किया। जो आज आप ये देख रहे हैं कर्टसी दिस इकोलॉजिकल बटालियन एंड द पीपल वर्क डे इन डे आउट 7 days a week विदाउट रेस्ट बिकॉज नेचर इज एक्सट्रीमली अनफॉरगिविंग।
एंड हियर इज अ यंगस्टर। भाई को बहुत पसंद आई ये जगह, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यंगर जनरेशन को ये चीजें देखने को शायद आने वाले समय में ना मिले, बिकॉज वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि द इंडियन आर्मी के साथ हमारा संबंध है, हम तो ये चीजें हम देख पा रहे हैं। तो ये है सेल्फ हेल्प से बनाए हुए, ये जवानों ने खुद अपने लिए ये बनाया है, और यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कोई ख़ास बिजली विजली कमी है। ये जो आप सोलर पैनल्स देख रहे हैं, यहाँ से लाइट आ जाती है। वैसे रात को तो मौसम ठीक हो जाता होगा ना, सब बाहर सोते हैं लोग। तो ये इंडियन आर्मी का एक रूप ये भी है, जो ना पिक्चरों में देखते हैं, ना किताबों में पढ़ते हैं, ना किसी को बताया जाता है। एडमायरेबल एक्चुअली, मतलब मेरे को तो इस बात का काफ़ी घमंड है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हूँ।